हिमाचल हिंदी स्कूल। और तुम लोग? प्राथमिक हिंदी विद्यालय। और तुम लोग कौन सा 8 क्लास के हो? 8 7 8 ना? 6 7 8। तुम लोगों को मैथ्स में क्या क्या आता है? मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन आता है, बेसिक्स। मैथ्स का सबसे बेसिक्स प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो ये लोग इधर है, 4 5 के लोग हैं, तो दोनों को मिला के मैं बेसिक्स दे दूं, बेसिक्स दूंगा, तुम लोग आंसर करना, ठीक है? दिव्यम कौन सा क्लास का है? मैं क्लास 1। क्या आंसर बोलो? यहाँ पे सब आता सबको है, बट ये ऑरल का टेस्ट है। ऑरल का क्या? 210। नहीं ठीक है, वो बोल के सकते, ये बोला वो बोला, 210। सर की बीवी के साथ बात करने के लिए गए। मैं क्या आंसर होगा इसका? 1000 डिवाइडेड बाय 10। 100। और 4 digit सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर 9099। 4 digit स्मॉलेस्ट बोलो नंबर 1000। हाँ, एनीवन? 1000 ना, 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर 999। इसको समझने का कोशिश करो, अगर इसे छोटा करते हैं, इससे छोटा मतलब माइनस वन करते हैं, तो 999 आ जाता है। तो क्या ये 3 digit नंबर है? है, 3 digit नंबर है। पॉसिबल नहीं है। और अगर इससे प्लस करते हैं, इससे 1 प्लस करते हैं, तो 1001 1001। इससे तो छोटा ये है ना, तो मैंने कहा था स्मॉलेस्ट पूछा, नंबर 1000 है। अगर मैं वही पूछूं कि ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर क्या है, तो 4 digit अगर ग्रेटेस्ट का बात करेगा, जितना डिजिट बोलेगा उतना 9 होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं 5 digit ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर, तो 5 9 होगा। अगर बोलो ग्रेटेस्ट 7 digit नंबर, तो 7 9 होगा। समझ गया ना? अगर 3 digit बोला ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर, तो 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर। समझ गए सब लोग? यस सर। अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। मिलेगा सबको, बट ये ऑरल का टेस्ट है, आता सबको है, बट ऑरल को हम ज्यादा जल्दी करते हैं। लेट्स चेक। वही 1000 आगे तो करना 8.260। एनीवन? चेक अपना आंसर चेक करो कि क्या सही है ये। 1000 10.60। कितना बोला? 10.60। ये चेक करते हैं, तुम अपना आंसर चेक करो। और वन मोर ऑप्शन। 1100 फिर से चेक करो, एक और एक आंसर चाहिए बस।
देखो आता सबको है बट यहाँ पे कंपटीशन का है। 1060 देखो इसको सॉल्व करना है ना, वो पहले पॉइंट जितना है ना उसको अभी भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को भूल जाना है। तो 4 × 5 कितना होता है 20, 2 कैरी, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 10। पर जिसने ये बोला ना वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट अगर यहाँ पे अगर ये हुआ 2.695 अटेंशन दो क्लास में 2.695 तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पॉइंट का ध्यान रखना है कितना डिजिट राइट साइड से है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका आंसर होगा 10.60। ये किसने बोला था, जिसको चेक करना था, 4 × 8 = 2 नहीं किया, प्रॉब्लम हो गया इधर, बट ये सही है, ये गुड। और ये बोला वो भी सही है, मतलब पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट का क्या है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1000 गलत है, 1000 आएगा ये 10.60 कितना था 60 ठीक है। दीक्षिता भी पढ़ाना है, अरे हाँ इंग्लिश पढ़ा देना थोड़े थोड़े। हेलो आता है इतना तो नहीं है, वो पॉइंट का नहीं होगा। अभी देखो मैं हर क्वेश्चन में नया ट्रिक मतलब इजीली कैसे कर सकते हो दिखाता हूँ। क्या है इसका आंसर? 10,000 मेरे को 0 में बोलो, ठीक है 10,000 और बोलो। एनीवन क्या है इसका आंसर? बहुत सिंपल है, ये बोल सकते हो क्या? 1,00,000। देखो इसका ट्रिक क्या है, अगर 0 है ना किसी से भी नंबर से कर सकते, तो कोई भी नंबर हो अगर 10 से हो या 100 से हो बस 0 दे देगा। देखो यहाँ पे 1000 है ना, देखो यहाँ पे 1000 है ना, इधर देखो 1000 है ना, तो 1000 लिख देना है। और यहाँ पे 100 तो है ना, तो 100 का 2 0 है बस 2 0 दे देते हैं। तुम लोग सिंपली 1,00,000 बोल दो या फिर 1 और 5 0 लिखने से तो हो जाएगा। ओके सर। या फिर यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है, दिस डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बस जो भी नंबर है उसको उठा के यहाँ पे रख दो, 9, 6, 8, 5 और 1,00,000 को 0 आ यहाँ पे 200 होता है। हां सर, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे 5 5 2 5 हो, अगर यहाँ पे 100 के बदले अगर 200 है तो तुम अगर ऐसे करते हो 5 2 5 और 2 0 तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि तुम लोग सोचते हैं यहाँ पे भी 2 0 है और यहाँ पे बस साढ़े 2 0 लगाना है लगा दिया, बट यहाँ पे 2 का गेन है, 1 है। 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर को, खुद का नंबर आता है, ठीक है ना। अगर 2 है तो क्या करना है, 2 0 को भूल जाओ, क्या करना है 2 0 को भूल जाओ, पर याद रखना है 2 5 10, 2 2 4 5, 2 5 10 और अभी याद करना है 2 0 को, 2 0 लगा दो, कितना सिंपल हो गया, हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे 500 हो तो 2 0 को भूल जाओ, अब 5 का तो टेबल तो आता है कि नहीं। अगर 9 तक तो सबको आता ही होगा, और 10 अगर आ गया तो ये तो 0 इसके साथ इंक्लूड हो गया, तो 1 तो सेम हो गया।
अच्छा आंसर ठीक है ना, तुम समझा। दीक्षिता कौन सा क्लास का है? क्लास टू है ना। मैंने को पूछा क्लास टू मार खाएगा क्लास के लिए। ट्वेंटी तक आता है तुम लोग को? 20 तक आता है। अभी मैं और पूछूंगा ठीक है, तुम लोग आंसर बोल दे जाना ठीक है ना। सेवन एट का भैया शायद कितना सर पहले बात बोलो, पहले सोचो, नहीं तो सर कॉन्फ्यूज हो जाएगा। सोचो क्या सोच रहे हैं, सोच रहा है 72 सोच रहा है और नहीं सोच रहा है तो फिर सोचो और फिर 72 को बोलो। यस 72 हो गया। अब देखो, अब इसका उल्टा कर दिया मैंने ऊपर बताया कि 0 0 पर मैंने इसको आगे कर दिया, तो 12 बाद में लिख दो और ये 0 को इधर दे दो। सिंपल 120। अब देखो क्या हो गया, नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करें? 100 अभी ये 78 हो गया, तो अभी ये आना चाहिए कि स्क्वायर, उसको बोलते हैं स्क्वायर। कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। कितना था 12 × 12? कितना था? 144 144 ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला होता है, बट अभी हाई क्लास में जाएगा तो समझ जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर एक चीज 2 बार हो तो 5 × 2 ऊपर 2 बार हो गया, 2 बार हो गया। अगर 3 बार हो तो 5, इसको बोलते हैं क्यूब 3 बार हो गया। तुम लोगों का स्क्वायर का आइडिया होगा। तो ये होता है स्क्वायर और क्यूब का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देगा स्क्वायर और क्यूब चाहिए, कोई भी एग्जाम दे कि ऐसे 12 × 12 ऐसे को देखो, मैं बताता हूँ, ऐसे 12 × 12 करो, टाइम नहीं रहेगा, टाइम ही नहीं रहेगा। जैसे अभी 7 8 हो गया ना, अभी 2 × 4 बच्चों जैसे लिख के करेगा तो सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो 2 × 4 याद रखना पड़ता है। वैसे जब हाई क्लास में जाओगे और कुछ एग्जाम लोगे तो 12 का स्क्वायर जो होता है ना वो याद करना पड़ता है, और उसमें अगर आता सबको है, मैंने क्या बोला, आता सबको है, पर जो ज्यादा स्पीड करता है वही है विनर। आता सबको है इधर ठीक है, पर जो ज्यादा स्पीड करता है वो विनर होता है। तो स्पीड कैसे होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक एग्जाम को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना देता है ठीक है। तो इसको याद करना पड़ता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 51, 15 का स्क्वायर 125 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 12 तो 144 आता है, 125 कैसे आएगा? ये भी लॉजिक लगाना है। टफ लग रहा है क्या? समझो बाद में समझ जाए। ये याद करना पड़ता है। एडिशन का देखो कितना सारा नाम है, लेट्स चेक, देखते कितना नाम है एडिशन का। एडिशन, एडिशन को क्या बोलते हैं? प्लस, प्लस बोलते हैं। और एडिशन को माइनस कैसे बोलते हैं? एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब मैं एक हूँ, अभी और एक आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या करते हैं? जोड़ दिया। तो ये एक है मार्कर और ये एक है। एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो समझ नहीं आता है ना।
डिवीजन कैसे करें वो समझ नहीं आता है, ये क्वेश्चन में प्लस का एम आई राइट? तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे देखो प्लस तो कभी देगा नहीं, वो क्वेश्चन में प्लस देगा नहीं, ऐसे डायरेक्ट ये लेगा कि ये है इसको प्लस कर दो, वहाँ पे क्या देगा, वहाँ पे देगा टोटल, जहाँ पे भी टोटल रहेगा कि दो नंबर पर टोटल कितना है तो दैट मीन प्लस कर रहे हैं टोटल। अभी हिंदी में इसको शायद मेरे को उत्तर नहीं है, टोटल समझ गया ना, मतलब हाँ कुल कितना है, कुल संख्या कितना है, कुल कितना।